आने वाले दिनों में संभावना जताई जा रही है कि खाने के तेल में हो सकती है गिरावट। दरअसल दिल्ली तेल तिलहन बाजार में कीमतों में मिला जुला रुख दिखाई दे रहा है। सोयाबीन तिलहन, कच्चे पाम तेल, पामोलिन तेल कीमतों में जहां सुधार है तो वहीं सोयाबीन डीगम में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सरसों, मूंगफली तेल तिलहन, सोयाबीन दिल्ली और इंदौर तेल और बिनोला तेल के भाव में फिलहाल कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा। वहीं जानकारों का कहना है कि नए साल की छुट्टियों के बाद वैश्विक बाजार पूरी तरह अभी खुले नहीं है। उधर मलेशिया एक्सचेंज में भी गिरावट देखने को मिली है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में भी बाजारों में कोई बहुत ज्यादा तेजी का रुझान नहीं बना है। मलेशिया एक्सचेंज में तेजी के कारण सीपीओ और पामोलिन तेल की कीमतों में कुछ मजबूती देखने को मिल रही है। डीओएल केक की स्थानीय मांग होने से सोयाबीन तिलहन की कीमतें फिलहाल मजबूती के साथ कारोबार कर रही हैं। वहीं आयात भाव सस्ता होने के कारण सोयाबीन जिगम तेल में गिरावट आई है। आमतौर पर बाजार में मांग फिलहाल कम है। सस्ते तेल की कीमतों का खाद्य तेलों पर दबाव होने के बावजूद सर्दियों में स्थानीय हल्के तेलों की मांग होने से सरसों, मूंगफली तेल तिलहन, सोयाबीन और तेल और बिनोला तेल के भाव फिलहाल सीमित दायरे में कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि आगे चलकर खाने के तेलों में फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।